गए वो दिन जब उत्तराखंड की यंग जनरेशन को बेहतर हायर एजुकेशन के लिए शहरों का रुख करना पड़ता था। कई बड़े एजुकेशनल संस्थान ने पहाड़ों का रुख किया है। इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है माइंड पावर यूनिवर्सिटी का। भीमताल में स्थित इस यूनिवर्सिटी का मिशन पहाड़ी इलाकों के बच्चों को न्यू एज एजुकेशन सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराना है। जब हम लोग यहाँ पहाड़ों में आते थे तो एक चीज मैंने फील की कि पूरे देश में प्लेन्स में चाहे इंडस्ट्री हो या यूनिवर्सिटी हो या जो भी और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी प्लेन्स में इस्टेब्लिश होते हैं। बदले में पहाड़ों में बहुत बड़ी समस्याएं रह जाती हैं। एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है, रोजगार की भी समस्याएं हैं। इस चीज़ को हम हमेशा फील करते थे कि हम कुछ ऐसा कर पाएं जो समाज को कुछ ऐसी चीज़ें दे पाएं जो बाकी लोग उस चीज़ की तरफ नहीं देख पा रहे। भीमताल आने का केवल यही पर्पज था कि हम यहाँ पे एक अच्छे लेवल की एजुकेशन दे पाएं और उस कंडीशन में दे पाएं जिस कंडीशन में भीमताल के लोग उसे अफोर्ड कर पाएं। इंडिया में ये स्थिति हो गई है कि जो भी थोड़ा सा ठीक से लेवल का इंस्टीट्यूशन है उसका फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि उसे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी उसे मैनेज नहीं कर पाता। तो हमने कोशिश ये की है कि यूनिवर्सिटी का बेसिक फीस स्ट्रक्चर है वो हमने अदर इंस्टीट्यूशन से ऑलमोस्ट हाफ कर दिया, लगभग आधा है हमारी फीस यूनिवर्सिटी का। और उसके बावजूद भी पहाड़ों के लिए हम फ्लैट 32% जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं फीस के ऊपर। People are more inclined towards the traditional education. So BA, BCom, courses like these, most of the students, they prefer these courses in this region. And after pursuing those courses, they don't get proper placements. So again, whatever they have studied, it's all wasted. So over here, with our university, we are focusing more on the professional courses, wherein students will actually get their hands-on experience on what exactly is being required in the university today. So we are trying to make the students ready for the today's world. मुख्य उद्देश्य है इस यूनिवर्सिटी का यहाँ का कि बच्चों को जो है ग्लोबल चाइल्ड बनाया जाए, ग्लोबल सिटीजन बनाया जाए। तो ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए ज़रूरी है कि वो ग्लोबली जो चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं उसमें अवेयर हों, अपडेट हो, अपग्रेड हो। तो सारा सिस्टम यहाँ पर जो फैकल्टी है वो बड़ी क्वालिफाइड है, ट्रेंड है। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत जो हुई है वोकेशनल एजुकेशन का, ट्रेडिशनल पुराने एजुकेशन सिस्टम्स हैं कि जब तक आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, सपोज करो कोई भी प्रोग्राम अगर हम ले लेते हैं, अगर MLT की BSc MLT की बात करें तो 3 ईयर का प्रोग्राम प्लस 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। 3.5 साल पढ़ाई और ट्रेनिंग लेने के बाद ही वो इंडस्ट्री में पर्सन जा सकता है, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन में ऐसा नहीं है। वोकेशनल एजुकेशन में 40-60 का रेशियो है स्टडी और प्रैक्टिकल का। इसमें ये कॉन्सेप्ट जो लॉन्च हुआ है वोकेशनल एजुकेशन का कि अगर फर्स्ट ईयर बच्चे ने कंप्लीट कर लिया तो ही गॉट अ सर्टिफिकेट, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 1 ईयर एंड आफ्टर 1 ईयर कैंडिडेट कैन गो इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जाने के बाद, इंडस्ट्री कुछ भी हो सकता है, अगर हॉस्पिटल सेक्टर है तो MLT का कॉन्सेप्ट है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर है तो होटल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अलग अलग तमाम सेक्टर है। वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो आप सोच सकते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो सब कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू UGC। तो 1 साल कंप्लीट कर लिया आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे मार्केट में, और मार्केट जो है एक्सेप्टेंस है उसका जो NEP के तहत आ रहा है। 2 ईयर कंप्लीट कर लिया आपने तो डिप्लोमा बोले जाएंगे, 3 ईयर कंप्लीट कर लिया तो डिग्री हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए खास करके ये हेल्पफुल साबित हो रहा है जो 1 साल करके किसी भी कारण से, चाहे वो फाइनेंशियल कारण हो या सामाजिक कारण हो, कोई भी कारण से ड्रॉप हो जाते हैं ये बच्चे। तो इसमें 1 ईयर भी एटलीस्ट अगर कंप्लीट कर लिया तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक लेवल हो जाएगा जिससे कि वो इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकता है। पहाड़ों में रहने वाले बच्चों के सामने हायर एजुकेशन में सब्जेक्ट का चुनाव एक बड़ी चुनौती है। माइंड पावर यूनिवर्सिटी इस चैलेंज को बहुत गहराई से समझकर समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। कई कॉलेज में रहा हूँ उत्तराखंड के, गढ़वाल में भी, कुमाऊं में भी। मैं बच्चों से हमेशा पूछता था तो मैंने कहा कि आप ये सब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं, ये कोर्स क्यों ले रहे हैं, आप ये विषय क्यों ले रहे हैं। तो उनका आंसर होता था मेरे दोस्त ने भी ले रखा, मेरे साथी ने ले रखा। तो एक विजन, एक उनके एक क्रिटिकल थिंकिंग जिसको करनी, फ्यूचर के बारे में सोचें
कितने साल हम अगर 3 साल में ग्रेजुएशन करेंगे, 3 साल जीवन क्या बिताएंगे, उसके बाद हम ऐसे बन के जाएं गवर्नमेंट से जॉब मिले भी नहीं मिले, हम अपना कुछ कारोबार शुरू कर सके, ऐसी ट्रेनिंग बच्चों को प्राप्त करें। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के युग में कि बच्चे के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप करना। जो 10 बेसिक स्किल्स हैं उसके पास नॉलेज तो है लेकिन विजडम नहीं रह पाता, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है कि हाउ टू कम्युनिकेट योर सेल्फ, तो वो कम्युनिकेशन के पार्ट को देखेंगे। जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम बता रहे हैं उसमें हम 10% से शुरू करके 100% तक जाएंगे। अगर कोई बच्चा 90+ हमारे टेस्ट में ले जाता है तो उसका पूरा खर्चा जो है वो मैनपावर यूनिवर्सिटी उठाएगी। मैं कोशिश करूंगा पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से, हर कंट्री से बच्चे लेके आऊँ, वहाँ से जो लोग आएंगे यहाँ पे हमारे कल्चर एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे, हमारी फीलिंग्स से एक्सचेंज होंगी, इकोनॉमी में चेंज आता है, बाहर से पैसा आएगा तो उत्तराखंड को फ़ायदा होगा। और अगर हम धीरे धीरे एक प्रयास मात्र भी कर पाते हैं तो कुछ लेवल तक मैं रोज़गार भी दे पाऊँगा। कोशिश ये की है कि ऐसे वोकेशनल कोर्सेज और ऐसे कोर्सेज जो अभी अपने इंडिया में शुरू भी नहीं है, तो उसमें मराइन के कोर्सेज हैं, मेडिकल के कोर्सेज हैं, इसके अलावा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो सारे कोर्सेज हैं। तो आने वाले टाइम पे मीडिया हाउसेस के कोर्सेज और मराइन के कोर्सेज, एविएशन के कोर्सेज, ये सब अलग कोर्सेज हम लोग यूनिवर्सिटी में लॉन्च नेक्स्ट ईयर करेंगे। अभी हमारे पास जो फर्स्ट ईयर है वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे लेवल का स्टार्ट किया है, मैनेजमेंट के सभी कोर्सेज हैं, टेक्निकल के सभी कोर्सेज हैं, बेसिक सर्टिफिकेट डिप्लोमा से लेके और PhD रिसर्च तक सभी कोर्सेज में है हमारे पास। नेक्स्ट ईयर मेडिकल के BMS का प्लान नेक्स्ट ईयर का है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट नवंबर तक 26 तक BMS होगा और विद इन 2 ईयर्स MBBS माइंड पावर यूनिवर्सिटी रन कर रही है। कोशिश में ये कर रहा हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, अपने सारे भाइयों के साथ, कि इंस्टीट्यूशन एक लेवल पे सेट हो जाए, उसके बाद में हम कुछ ऐसा रोजगार दे पाएं जो सभी उस जिसमें एडजस्ट हो सकते हैं, मिडल एजुकेशन वाले, लोअर मिडल एजुकेशन वाले, अपर एजुकेशन वाले। तो हम कोशिश ये करेंगे 1 या 2 साल के अंदर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री हम कुमाऊँ को या उत्तराखंड को दे पाएं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट कर पाएँ। वी ऑलरेडी हैव टाई-अप्स विद मेजर कंपनीज हु विल ऑफर प्लेसमेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स, plus we are in the process to have further more tie-ups with the national and international companies for their placements. Plus, we are going to give them international exposures by student exchange and many more things. सभी parents को और students को जो 12th pass कर चुके हैं वो आएँ, क्योंकि ये university का जो system है बिल्कुल transparent है, किसी तरह का कोई hidden agenda नहीं है। जहाँ भी तुम्हें confusion है, जिस भी तरह का सवाल आप है, उस सवाल का समाधान किया जाएगा। मैं कहता हूं कि एक बार आप आइए, अवसर दीजिए हमको सेवा का। हम सब समर्पित लोग हैं एजुकेशन के लिए।